नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग बंटवारे के बाद महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का जो प्रिंट पोल है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में अगली सरकार की स्थिति बन सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक ही चरण यानी 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने जा रही है, और जिस कारण से यहां पर नामांकन का दौर देखने को मिला, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। महाराष्ट्र को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इस बार यहाँ पर दो गठबंधन है और दोनों गठबंधन में तीन तीन बड़ी पार्टियां हैं, और ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो महायुक्ति में एनडीए यानी बीजेपी और शिवसेना सिंधे गुट और एनसीपी अजीत पवार हैं, और सीट शेयरिंग बंटवारे के बाद यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। जबकि महाविकास अगाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार। लेकिन अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल है। क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में किसे बढ़त देखने को मिली, देखिए अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में महाविकास अगाड़ी ने 151 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि महायुक्ति एनडीए को 127 सीटें, जिसमें कांग्रेस को 63 सीटें, महाविकास अगाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट को 56 और एनसीपी शरद पवार को 32 सीटों पर बढ़त देखने को मिली थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 83 सीटें, शिवसेना सिंध गुट 38, एनसीपी अजीत गुट को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली थी। और इसी यहाँ पर जो आंकड़े हैं, उस आधार पर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 2019 में मामला उलट था, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि एनसीपी और कांग्रेस यहाँ पर साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन शिवसेना दो धड़ में टूटी और एनसीपी भी दो धड़ में, एक धड़ यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एक सी जो है कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि कई बड़ी योजनाएं महाराष्ट्र में आई हैं, इन योजनाओं के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, ये भी काफी बड़ा सवाल है, और इसको लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन 48 सीटों में से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने 30 लोकसभा सीटें, जबकि एनडीए ने 17 लोकसभा सीटें हासिल की हैं, और इसके बाद महाराष्ट्र का माहौल कितना बदलता नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सभी 288 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों को लेकर, जिसमें एनडीए को 5 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यवतमाल की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। परभणी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। जलाना की 5 विधानसभा सीटों की भी बात की जाए तो यहां पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में काफी हलचल है। महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बात की है नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें, और नागपुर की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी नागपुर में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी महायुक्ति का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। बात की जाए बासम जिले की 8 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल है, उसमें एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। बड़दा की 4 में से एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जिस कार का माहौल, जिस कार की हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस कार से टिकट बंटवारा हुआ है, उसके बाद जो खलबली है, उसके बाद महाराष्ट्र में खेला या होने जा रहा है, इसको लेकर बात किया भंडारा के 3 में से 1 सीट एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सांगली की 5 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अब तक महाराष्ट्र को लेकर बात किया तो 62 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए को 29 सीटें, इंडिया गठबंधन का 33 सीटें, अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें जा सकती हैं, क्योंकि यहां पर बीएसपी, एमएनएस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है, उन्होंने अलग से चुनावी मैदान में यहाँ पर ताल ठोकी है, तो वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमरावती के 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, तो गोंदिया की 4 में से एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जिस कार के आंकड़े यहां पर महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। बात की जाए अकोला की 5 में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। वही नांदेड़ की बात की जाए 4 में से एनडीए को 2 सीटें,
इंडिया गठबंधन को एक सीट और एक सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रही है। इसके अलावा बात किया कोल्हापुर की 10 में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। धुले की 5 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जिस कार का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हिंगोली की 3 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है, जो अनुमान महाराष्ट्र को लेकर हिंगोली जिले के 3 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अहमदनगर की 12 में से एनडीए को 5 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। रत्नागिरी की 6 में से एनडीए को 3 सीटें और 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच काट की टक्कर देखने को मिल रही है, यानी यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है। मुंबई सिटी की 10 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। सतारा की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 8 सीट और इंडिया गठबंधन का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। मुंबई उपनगर की 26 में से एनडीए को 10 सीटें और इंडिया गठबंधन यहां बाजी मारती नजर आ रही है। 15 विधानसभा सीटों को लेकर अन्य के पक्ष में एक सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे की 21 में से एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन का यहाँ 11 सीट, अन्य के पक्ष में एक सीट का अनुमान सामने आ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर अब तक 199 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए करीब 90 सीट, तो इंडिया गठबंधन करीब 100 सीट, अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में हर एक जिले में कांड की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए को 2 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 सीट, तो 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांड की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए ठाणे की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बुलढाणा की 7 में से एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल है। औरंगाबाद की 15 सीटों में से एनडीए को 8 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। पालघर की 6 में से एनडीए को 2 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस्मानाबाद की 3 में से 1 पर एनडीए, तो इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। रायगढ़ की 7 में से एनडीए को 3 सीट, 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में हर एक जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कौन यहाँ पर कितनी सीटों पर बाजी मारेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बीड़ की 6 में से एनडीए को 4 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीट। चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन भी 3 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देता नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि सिंधुर की 6 में से एनडीए को 4 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। लातूर की 8 में से एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से बात की जाए महाराष्ट्र को लेकर जो हलचल है, जिस कार के यहाँ पर चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, जिस कार की तैयारी है, उसके बाद माना जा रहा है महाराष्ट्र में एनडीए 134 से लेकर 150 सीटों के अनुमान के आसपास दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 140 से लेकर 150 सीटों के अनुमान है, अन्य के पक्ष में 6 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में जिस कार की तैयारी है और जिस कार से चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी यहाँ पर खेला कर सकती है, क्योंकि जिस कार की तैयारी है और जिस कार की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर रख रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले कई विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस कारण से ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में पूरे दमखम के साथ और पूरी रणनीति और जिस कार की चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, जो चुनावी यहाँ पर घोषणा है, उन दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि इंडिया गठबंधन भी इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही, क्योंकि इस बार काफी हलचल है। इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जो कि राजनीतिक चाणक्य नेता कहे जाते हैं, तो इस बार इंडिया गठबंधन क्या महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 20 नवंबर को जनता तय करेगी महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र का जो गणित है, जिस कार के आंकड़े हैं, उसमें माना जा रहा है फिलहाल यहाँ पर एनडीए का ही पलड़ा महाराष्ट्र में भारी नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं, मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।